असलकम वाला वबरकू बसम वसलात वसलाम रसूल नबी जीना महमद वही वबी व मऊाल अम्माबाद महसद नाज्रीन खुलस तरावी की इस मजलिस में आज हम आपके सामने पारा नंबर चौदह के हवाले से मुख्तल बातें पेश करेंगे पारा नंबर चौदह की इब्तिदा में जो सूरह है वो वह सूरत सूरतुल्हिजर सोरा नंबर पंद्रह जिसकी एक आयत पारा नंबर तेरह में भी है अल्लाह रब्लम ने पारा नंबर चौदह की इब्तिदा में क्या कहा बड़ी अजीम बात फर्माबा मवदुल्दी का फ़ारु लौकान मुसलमान एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन काफिर इस बात की शदीद ख्वाहिश करेंगे चाहत करेंगे चाहेंगे लौकान मुस्लिम ए काश वो मुसलमान होते आज दुनिया में जो लोग मुसलमानों को सता रहे हैं कुफर का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं अल्लाह कहते एक दिन आएगा ये ख़ुद तमन्ना करेंगे कि काश ये मुसलमान होते दरूम इनको छोड़ दो आप या कुलू ये खाएँ वह चमत मज़े करें वहीमलू और आसाइशों में ज़िंदगी गुजारें आरजुओं की वजह से ये जो है गाफ़िल रहें फ़सोफ यामोन बहुत जल्द इनको मालूम हो जाएगा बहुत जल्द इनको मालूम हो जाएगा कि अच्छाई हक और जो है सच्ची चीज़ें किसके साथ थीं और बातिल किसके साथ था तो अल्लाह ने यह जिक्र किया है आगे चल कर अल्लाह रबालमीन ने कुरान का मक़ाम और मरतबा बयान किया है फ़रमाए नज़िक्रफ़िगो हमने ही ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान बस लोगों ने तीन भी मुराद लिया है लेकिन ज़ाहिरन कुरान मुराद है कि अल्लाह आलमीन ने पहले के अम्बिया पर जो किताबें नाजिल की पहले की कौमों के लिए उन किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी अल्लाह आलमीन ने इस किताब की हफाजत का वादा किया इसीलिए आप देखें पहले की किताबें बदल दी गई चेंज कर दी गई यकसर तब्दील कर दी गई लेकिन ये किताब अल्लाह के फ़लोक से चौदह सौ साल से ज़ायद का अर्सा हो गया लेकिन आज ये किताब जूँ की तू एज़ इट इज़ एज़ इट वॉज़ जैसे पहले थी वैसे आज भी बाकी है इसलिए कि अल्लाह आलमीन ने इसकी हिफाजत का वादा किया है और अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है उसने किया और आइंदा भी करेगा उसके बाद अल्लाह ने आगे चल करके इस सूरा में एक बात कही कि वह इम मिन इन इल्ला ख़जा इन कि हर किस्म के खजाने हमारे पास हैं हर किस्म का ख़ज़ाना हमारे पास है लिहाजा लोगों को ये चाहिए कि वो ख़ज़ानों का सवाल हम ही से करें ख़ज़ाने भी नेमत हैं आसमान भी नेमत, ज़मीन भी नेमत, और अल्लाह की तरफ़ से नाजिल की गई किताब भी नेमत, ये सब नेमतों का अल्लाह ने तस्करा किया है फिर अल्लाह ने इस बात का भी तस्करा किया कि अंसान हमने तुझे पैदा किया है हमने तेरी पैदाइश की है और फिर तेरे बाबा आदम को हमने पैदा किया फ़रिश्तों के ज़रिए उनका सजदा भी करवाया इब्लीस ने इनकार कर दिया तो इबलीस को हमने धुतकार दिया मरदूत करार दिया और इब्लिस ने वादा किया कि अल्लाह में तेरे बंदों को गुमराह करूंगा कयामत तक की मोहलत मिल जाने के बाद तो अल्लाह ने कहा कि जो तुझे मानेगा मैं तेरे और तेरे मानने वालों समेत सबसे जहनम भर दूंगा कौन सी जहनम ला सब ए जिसके सात दरवाज़े हैं जिसके सात दरवाज़े हैं उसके बाद अल्लाह आलमीन ने हज़रत इब्राहीम आलसलाम का तस्करा किया जन्नत का तस्करा किया जन्नत में आठ दरवाजे इसमें कुरान में जिक्र नहीं है जहन्नम में सात दरवाजे अल्लाह ने जिक्र किया जन्नत में आठ दरवाज़े हैं इसका तस्करा रसुलकरम सल्ला वसलम ने हदीस में किया है उसके बाद इब्राहीमलाम का अल्लाह ने तस्करा किया उनके घर जरिश्तों की आमद हुई इंसानी शक्ल में मेहमान बन करके वह लूत साम के कौम को हलाक करने के लिए आए थे ये तस्करा हम कर चुके पारा नंबर बारह के अंदर तफसील से इसका तस्करा हमने किया है फिरल्ला ने और भी दीगर नबियों का तस्करा किया मूलम का और जो है कौम समूद वग़ैरह का तस्करा किया आगे अल्लाह ने एक बात बयान की फरमाए वालद आतना का सब आमसानी व़ुरआनआम हमने आपको क़ुरान दिया है और सब मसानी दिया है कुरान का हिस्सा है ये सब मसानी सब मसानी से मुराद सात ऐसी आयतें जिनको बार बार दोहराया जाता है जिनको रिपीट किया जाता है जिनका यह आदा किया जाता और इससे मुराद सूरतुल सूरतलफ़ाहा है तो सूरतुल की इतनी अहमियत है कि कुरान का तो वो हिस्सा है ही है क़ुर अजीम में वो शामिल था लेकिन अल्लाह रबालमीन ने अलग से उसका तस्करा किया उसकी अहमियत बताने के लिए और अल्लाह रबुआमिन ने बात भी ज़िक्र की उसके बाद कि इसी किताब को थामे रहिए पकड़े रहिए और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए और जो है अपने लोगों के साथ नरम रवैया इख्तियार कीजिए प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं आपके ताल्लुक से बुरे अल्फाज कहते हैं अल्लाह ने ऐसे लोगों का बुरा अनजाम जिक्र किया फ़रमाया इन नाकफ़ी नाकल कि आपका मजाक जो लोग उड़ाते हैं उनके लिए आपकी तरफ से काफ़ी हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया रसूल रसुलकरम स की ज़िंदगी में भी जिन लोगों ने नबी सल्ला वसलम की शान में गुस्ताखी की अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया उसके बाद के ज़माने में और आज भी ये किसी न किसी शक्ल में ये चीज़ मौजूद है कि अल्लाह गुस्ताख़ रसूल को ऐसी सज़ा देता है जो दुनिया वालों के लिए इबरत हुआ करती है नसीहत हुआ करती है एक और चीज़ अल्लाह ने बयान की कि अगर इंसान डिप्रेशन में ज़हनी तनाव का शिकार है किसी उलझन में मुबला है तो उसे क्या करना चाहिए आज बहुत से लोगों को ज़हनी तनाव उलझन डिप्रेशन वगैरह की शिकायत पहले रसूल सल्लम ने से अल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम हम जानते हैं कि जो लोग आपके ताल्लुक से बुरे अल्फाज कहते हैं तो उसकी वजह से आपका दिल परेशान होता है हमें पता है आप क्या कीजिए फसबे रबी का वकुमिन आप अपने रब की तारीफ बयान कीजिए उसकी तस्वीर बयान कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाइए यानी नमाज का सहारा लीजिए ज़िंदगी में जब भी कोई उलझन मुसीबत परेशानी गम तकलीफ और किसी तरह की कोई चीज़ हो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करें तस्वीर बयान करें और नमाज का सहारा लें ने कहा भी है यह आयूीनों बब्री वसला ऐमान वालोर और सलाद के जरिए अल्लाह की मदद मांगो नबी सल्लाम का यही मामला था जब भी कोई मसला दरपेश होता सलाह आप फ़ौर नमाज का रुख किया करते थे अल्लाह ने यही तालीम दी है ख़ास तौर से जो लोग डिप्रेशन में हैं उन्हें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करें और साथ ही साथ नमाज का अहमाम करें फ़र्ज़ नमाज तो पढ़े ही साथ में नफली नमाज बतौर ख़ास रात को उठ करके तार्ज़द की नमाज़ पढ़ें इन श्ला उसकी वजह से उन्हें आराम मिलेगा एक और चीज़ जो इस जुरा के आखिरी आयत में अल्लाह ने बयान किया कि एक बंदे को एक मुसलमान को एक मोमिन को कब तक अल्लाह की इबादत करना है अल्लाह ने कहा कवाबरब का यकीन आप अपने रब की इबादत कीजिए कब तक यहाँ तक कि आपको यकीन हासिल हो जाए यानी मौत आ जाए मौत से ज़्यादा यकीनी चीज़ दुनिया में कोई और नहीं है मौत के बारे में किसी का इख्तलाफ भी नहीं है तो मौत को अल्लाह ने यकीन का नाम दिया है कि यहाँ तक कि आपको यकीन हासिल हो जाए सूफ़ी हज़रा यकीन से कहते हैं कि जब इस बात का यकीन हो जाए कि हाँ अल्लाह है अल्लाह इबादत अल्ला का मुस्क है तो उसके बाद नमाज वमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं बस अल्लाह 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 करते रहो गलत बात है मौत तक आखिरी सांस तक अल्लाह हरब्ल आलमीन की हमें इबादत करना है ये अल्लाह ने हुक्म दिया उसके बाद सूरत नहल का आगाज होता है नहल का मतलब शहद की मक्खी जिसे आप बी कहते हैं मधुमक्खी सूरा नंबर सिक्सटीन है यह सूरह वो सूरह है जिसे अब्दुल्ला बिन अब्बास ताला तुमा और और दीगर लोग नेमतों वाली सूरह कहते थे आप इस सूरह को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शुरू से आखिर तक अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों का तस्करा किया है बेशुमार नेमतों का और नेमतों की नाशुक्री करने वालों का अंजाम भी अल्लाह ने इसी शुरा में जिक्र किया है हम देखेंगे आगे अल्लाह ने शुरू में सबसे पहले तो अपनी मुख्तलिफ़ नेमतें ज़िक्र की हैं मखलूक़ात जिक्र किया, हैं अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को नाजिल करता है जबरीमीन आल सलासम के साथ अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया खल असलमत वल अर्द अल्लाह ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया अल्लाह अल्लाबालमीन ने खलक अल ख़लान अमिन नुफ़तिन फ़ैदा मुबीन इंसान ही को पैदा किया अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वल आम ख़ल कहा और जानवरों को भी अल्लाह ने पैदा किया उन जानवरों में कुछ ऐसे हैं जिनका गोश्त तुम खाते हो जिन पर सवारी करते हो बाज़ ऐसे हैं जिन पर तुम अपना सामान जो है लाद कर डाल कर यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते हो भेजते हो फिर अल्लाह ने कुछ जानवरों का नाम भी लिया वल बिगा अवल हमीर लिताकबू वसीना उसके बाद अल्लाह ने अपनी और नहमत जिक्र की कि अल्लाह ही है जिसने आसमान से बारिश नाजिल किया जिस पानी को तुम पीते हो जिससे अपने खेतों की सिंचाई करते हो वही अल्लाह है जिसने सूरज चाँद रात दिन ये सब निज़ाम बनाया जिसने सितारे पैदा किए वही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में हर तरह की चीज़ें फैला दी मुख्तलिफ रंग के मुख्तलिफ़ कलर के वही अल्लाह रबाल आलमीन है जिसने समंदर को तुम्हारे हवाले कर दिया वही अल्लाह है जो समंदर से तुम्हें गजा देता है मछलियां देता है तरोताजा मछलियां और गोश्त तुम पाते हो तुम खाते हो वही अल्लाह है जिसने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि पहाड़ में लर्जिश पैदा ना हो लेकिन जब अल्लाह ताला चाहता है तो पहाड़ के होने के बावजूद जमीन में जलजला आ जाता है वही अल्लाह है जिसने सितारों को पैदा किया इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए फिर अल्लाह ने क्या कहा नहमतें तो इतनी हैं कि गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ थक जाओगे गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अल्लाह की नहमतें ख़त्म नहीं होंगी वहीन तरो नमत अल्लासूहा अगर अल्लाह की नहमतों को शुमार करना चाहो नहीं कर सकते इन ला लफ़ोर राहीम अल्लाह की नहमतें पाते हो शुक्र अदा नहीं करते लेकिन फिर भी अल्लाह माफ़ कर देता है रहम करता है और नमतें दे देता है सुबह फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते हो फिर भी अल्लाह नाश्ता दे देता है फिर भी अल्लाह जो है कारोबार में बरकत दे देता है अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो कितना अल्लाह देगा अल्लाह की नेमतें ये सब है फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा ये जो सब कर रहा है ना ये तुम्हारे लिए नेमतें ये इलाकुम इलाह वाहिद ये तुम्हारा तनहा और अकेला मबूद है वो वो अकेला मबूद है लेकिन तुम क्या कर रहे हो उस अकेले महबूद को छोड़ करके किसी और की इबादत कर रहे हो किसी और की इबादत में लगे हुए हो किसी और के सामने रुको और सजदे वाली कैफियत इख्तियार कर रहे हो तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आगे इसी किस्म की बातें अल्लाह ने बयान की हैं और जो है जो जजा का मुतालबा करते थे कि फ़रिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया अल्लाह की कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं आई तो अल्लाह ने कहा ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब वो निशानी आ जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर जन्नतियों का जहनमियों का अल्लाह हरबुआमी ने तस्करा किया है और आयत नंबर 36 में अल्लाह ने कहा वलकद वल नफिकल उम्मत रसूल अन्य अबात कि हमने दुनिया में जितने भी पैगंबर भेजे सबसे पहली बात तो ये कि हर इलाके में हमने रसूल नबी पैगंबर भेजे और दूसरी बात जितने भी पैगंबर नबी और रसूल भेजे उन्हें हमने एक ही पैगाम दिया था उनका जो है उनकी मिशन उनकी दावत सिर्फ एक थी अन्य अबुल्ला के लोगों अल्लाह की इबादत अल्ला करो वनीबागुत और तागूत की इबादत से बचो ये तमाम अम्बिया की दावत थी तमाम अम्बिया ने इसी की तरफ़ बुलाया आगे अल्लाह रबालमी ने कहा कि जिसने इसको मान लिया वो हिदायत वाला जिसने नहीं माना वो जो है वो हिदायत वाला नहीं है और जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की उसका सवाब क्या है फिर साथ ही अल्लाह ने आगे जिक्र किया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है कुछ मालूम नहीं है तो जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ लो लेकिन कैसे दलाइल के साथ दलाइल के साथ बिना दलील के नहीं ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ आमीन कह दो फ़ौरन आमन्ना कह दो फौरन फ़ौर कबूल कर लो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया कि अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की सारी चीजें सजदा करती हैं लिहाजा लोगों को इंसानों को भी चाहिए कि अल्लाह के लिए सजदा करें और अल्लाह ने यह भी कहा कि अ लोगों दो महबूद मत बनाओ वो अकेला मबूद है तो लिहाजा मुझे ही से डरो अल्लाह कहते हैं मुझे ही से डरो आसमानो जमीन की तमाम चीजें उसी के लिए वमा फ़मिन अल्लाह जो नेमत भी तुम्हें मिली हुई है वो अल्लाह की तरफ से जो नेमत भी मिली हुई है लेकिन तुम क्या करते हो ना शुक्रिया करते हो और एक ना शुक्रिया क्या है अल्लाह रबुल आलमीन अपनी तरफ से तुम्हें बेटी जैसी नेमत से नवाजता है लेकिन तुम क्या करते हो मुंह बनाते हो तुम कैसे जैसे ज़माने जाहिलियत में अरब के बास कबीले मुंह बनाते थे अल्लाह ने जिक्र किया वाहद उम बिल उनम वीम कि जब उन्हें बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी तो उनका चेहरा सियाह हो जाता था मुंह बन जाता था और दांत पीसने लग जाते थे कौम के लोगों से छुप छुपा कर फिरते थे और उनको ऐसा लगता था कि ज़मीन में समा जाए अल्लाह ने कहा आला सामोन कितना बुरा ये लोग फैसला करते हैं बेटी की पैदाइश जो कि रहमत है अल्लाह की नहमत है उसको अपने लिए बुरा समझ रहे हो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला अ इस, इसका हिसाब लेगा तुमसे और इस बारे में तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा फिर अल्लाह ने अपनी कुछ और नेमतें गिनवाईं अल्लाह ने कहा अल्लाह ही ने आसमान से पानी नाजिल किया फिर उसके बाद उसी से मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया फिर अल्लाह कहते हैं कि ये जो जानवर अल्लाह ने तुम्हें नेमत की शक्ल में दिए हैं ना इसमें तुम्हारे लिए इबरत नसीहत है कैसे नुस्खे बीन कैसे अल्लाह कहते हैं जानवर ना चारा खाता है मादा मादा जानवर खास तौर से यानी जो फीमेल होती है जानवर गाय कह लीजिए भैंस कह लीजिए बकरी कह लीजिए क्या करते हैं ये लोग ये चारा खाते घास खाते जो भी खाना उनको खाते हैं उस खाने से क्या बनता है तीन चीज़ें बनती हैं गोबर दूध खून अल्लाह क्या करते हैं फिर उस गोबर और खून के दरमियान से अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हें बेहतरीन किस्म का दूध पिलाते हैं खालिश दूध पिलाते हैं कोई है जो गोबर और खून के दरमियान से खालिश दूध निकाल कर दे दे अल्लाह कहते जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत नसीहत है कि अल्लाह कैसे साफ सुथरा दूध तुम्हें देता है तुम उसको पीते हो सागल शारबीर पीने वाले के लिए मज़ेदार होता है फिर अल्लाह ने अपनी एक और नये जिक्र की शहद की मक्खी उसी के नाम पर यह है आप सोचें अल्लाह ने इस सूरा में नेमतें गिनवाई हैं लेकिन नाम किसका रखा इस सूरा का नाम क्या है, है शहद की मक्खी अल्लाह के अजीम नेमतों में से एक नेमत है और इसीलिए वो जो माल बनाती है जो सामान बनाती है जिसे हम शहद कहते हैं उसमें शिफा रखा गया है नबी करीम सदीस में इसकी वजात की अल्लाह ने कुरान में भी कहा आगे काफी ही शिफा उल्नास इसमें लोगों के लिए शिफा है तो शहद इस्तेमाल करना चाहिए तिब नबीवी का एक हिस्सा है और अल्लाह की कुदरत अल्लाह छोटी सी मक्खी के ज़रिए इतनी अज़ीम चीज़ पैदा कर रहा है और अल्लाह ने एक और नहमत गिनवाई कि वल्ल फक्त अलाबादुमाबादिन फिर रिस्क़ अल्लाह ने किसी को मालदार कर दिया किसी को ग़रीब कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मालदार है वो अल्लाह की नज़र में अजीम है यह आजमाइश है कि मालदार मालदार हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का सही इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है उसे अल्लाह के रास्ते में लगाता है कि नहीं लगाता है और फ़कीर महताज हो करके अल्लाह के फैसले पर सब्र करके सही रास्ता इख्तियार करके हलाल माल कमाता है कि नहीं कमाता है यह आजमाइश चल रही है अल्लाह ने और नेमत गिनवाई फरमाया वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया तुम्हारे बेटे बनाए पोते बनाए ये सब अल्लाह की नेमत है लेकिन इंसान क्या करता है अल्लाह की नेमतों पर ना शुक्री करता है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है और अल्लाह के लिए मिसालें बयान करता है अल्लाह के लिए लड़कियां साबित करता है अल्लाह के लिए जो है उसका कोई शरीक पार्टनर बना देता है अल्लाह ने कहा यह सब बहुत गलत बात है वो ला समावाति गैब उस समावती वाला आसमानो ज़मीन की तमाम गैब की चीज़ें अल्लाह आलमीन के लिए सब गैब अल्लाह अल्ला आलमीन जानता है और अल्लाह वो है जिसने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से निकाला ला तमशैया तुम कुछ नहीं जानते कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन अल्लाह ने क्या किया तुम्हें कान की नेमत दी आंख की नेमत दी दिल की नेमत दी इन तीनों नेमतों का इस्तेमाल करके तुमने इल्म हासिल किया आलिम बन गए दुनिया के आलिम बन गए दीन के क्या करना चाहिए तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तस्करोन ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने एक और नेमत गिनवाई अलम मुशरा जविस समा आसमान में परिंदों को जो आप उड़ता हुआ देखते हैं ना एक कतार से चल रहे हैं उड़ रहे हैं हवा में मतलब आप जितना ऊपर जाए हवा उतनी तेज मिलेगी आपको लेकिन अल्लाह ने उनको रोक कर रखा थाम कर रखे रखा माय उनकुन्ना अल्लाह फिर आगे अल्लाह कहते हैं अल्लाह है ने तुम्हें घरों की नेमत दी आपके पास घर है ना बहुत बड़ी नेमत है पूछे उन लोगों से जिनके पास घर नहीं है जिनके सर पर छत नहीं है कि घर कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ने एक और नेमत बताई कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए गर्मी का लिबास बनाया सर्दी का लिबास बनाया गर्मी सर्दी में उसका इस्तेमाल करके अपने आप को तुम गर्मी और सर्दी से बचाते हो और अपने लिए इंतज़ाम करते हो कैली अलैकुम इसी तरह अल्लाह अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम सरेंडर हो जाओ अल्लाह के सामने झुक जाओ अल्लाह के सामने झुक जाओ लेकिन इंसान नहीं पहचानता अल्लाह की नहमतों को आगे अल्लाह रब्लमी ने बात भी जिक्र किया कि अल्लाह तुम्हें तीन बातों का हुक्म देता है तीन चीज़ों से रोकता है तीन बातों का हुक्म अदल का यानी इंसाफ का एहसान करने का हर एक के साथ एहसान करो अल्लाह के साथ रसूल के साथ दीन के साथ लोगों के साथ घर वालों के साथ बाहर वालों के साथ और नंबर तीन वो इथा ईदरबा रिश्तेदारों का ख्याल रखो उनके हकूक अदा करो ये तो तीन बातों का अल्लाह नेक्म दिया तीन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया कौन कौन सी चीज़ें फहश चीज़ों से बदकारी वाली चीज़ों से बेहयाई वाली चीज़ों से और दूसरी चीज़ वलमुन कर हर किस्म के लगो काम से बुरे काम से वलबे और बतौर खास जुल्म करने से यहुम लाकुम तदक करोल अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो फिर अल्लाह ने कहा ऐसा ना हो उस औरत की तरह जो औरत जो है धागा बनाती है करती है करती है फिर उसको काट कर रख देती है ऐसे ही तुम अपने अमाल को मत बनाओ कि नेकियां कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि नेकियां बर्बाद हो जाए ऐसा तुम्हें नहीं करना है फिर अल्लाह ने कहा कि जो बंदा भी नेक अमल करे शर्त ये कि वो मोमिन हो चाहे वो मर्द हो या औरत क्या फ़ायदा मिलेगा ईमान और अमल साले का क्या फ़ायदा मिलेगा लगत, हयातं हम उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी बना देंगे मा कानू कानूम और हम उसको उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे क्यामत के दिन साथ ही साथ ने यह भी कहा कि ऐ लोगो जब कुरान पढ़ना शुरू करो तो अबिल्ला ही मीन शैतानीम पढ़ लिया करो अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दो मर्दूद शैतान से इसीलिए हम जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अर उज़ुबिल्ला ही मीन शैतान रजीम कहते हैं आगे अल्लाह ने बात जिक्र किया कि अगर कभी मजबूरी में ये तो ठीक है नमत इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह पर ईमान है इबादत कर रहे हैं अल्लाह पर ईमान है सब कुछ लेकिन बाज़ दफ़ा कोई मजबूरी हो जाए कोई ये कहे कि नहीं अल्लाह के साथ शेयर करो वरना मार दिए जाओगे वरना तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा तो मजबूरी में अगर कोई इंसान दिल में यह अकीदा रखते हुए कि अकेला इबादत का मुस्तक अल्लाह है लेकिन चूंकि सामने मार दिया जाएगा इसलिए जान को बचाने के लिए अगर कोई बंदा कुफ्र का कलेमा अपनी ज़बान से निकाल देता है कुफ़्र का काम कर लेता है तो अल्लाह ने फरमाया उसका ईमान गड़बड़ नहीं होगा उसे काफिर नहीं कहा जाएगा मन का फराबिल्ला ही ममबादी ईमान ही मन उकर वक़लब हो मतम दिल मतम है ईमान के साथ तो बज़ाहिर जान बचाने के लिए मजबूरी में कुफ़्र का काम किया जा सकता है जैसे हज़रत अमार बिन यासर रदील्न से हुआ था आगे अल्लाह ने जिक्र किया नेमतें तो गिनवा दी अल्लाह ने ना फिर क्या कहा नेमतों की शुक्रगुजारी होनी चाहिए नेमतों पर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए वरना क्या होगा अगर ना शुक्री करोगे तो एक गांव वालों की मिसाल सुनो मक्का वालों की अल्लाह ने कहा वबाला कौरीत कानत आमीन फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह ने गांव वालों की मिसाल बयान की है जो बहुत अमन में थे कानत आमीना बिल्कुल महफूज थे मुतमैन इतमान से जिंदगी चल रही थी रिस्क मिन खुली मकान हर तरफ से हर जानब से उनके पास रोजी आ रही थी क्या करना चाहिए था इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था दुनिया में अमन से ज्यादा बड़ी नेमत कुछ नहीं और ऐसे ही रोजी मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ है इंसान की जान महफूज रहे बहुत बड़ी चीज़ है हदीस में प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो बदले में क्या करना चाहिए शुक्र अदा करना चाहिए इन लोगों ने क्या किया फ़ाका फ़ौरत बीमिल्ला इन लोगों ने अल्लाह की नहमतों की ना शुक्री की अल्लाह ने क्या किया फ़ादा लिबासफ इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने उन्हें खौफ का और भूख का लिबास पहना दिया पहले हर तरफ से रोजी मिल रही थी अब अल्लाह ने छीन लिया भूखा रख दिया पहले मुतमैन थे अब खौफ अल्लाह ने दुश्मनों का पैदा कर दिया कहीं यहाँ से कोई दुश्मन हमला ना कर दे कहीं यहाँ से कोई हमला ना कर दे ऐसा अल्लाह ने क्यों किया बीमा कानू इनकी हरकतों की वजह से नहमतें मिली हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने बात भी ज़िक्र की है कि हलाल हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है कोई भी अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकता हराम नहीं कर सकता हलाल को हराम नहीं हराम को हलाल नहीं और ना ही कोई नई चीज़ आ रही है तो उसको अपनी तरफ से हलाल कर दो या हराम कर दो ऐसा भी नहीं करना है क्यों अगर कह दिया तो हो सकता है अल्लाह पर झूठ बात हो जाए फिर इब्राहिम सलातम तो का अल्लाह ने तस्करा किया उनकी फ़ज़ीत बयान की है कि इब्राहिम इतने अज़ीम इंसान इतने बड़े पैगम्बर की तनहा अल्लाह ने उन्हें एक उम्मत करार दिया एक यानी जो काम पूरी एकुम्मत मिल करके करती है वो काम हज़रत इब्राहिम सलातम तो ने अकेले किया है वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे और अल्लाह की तरफ़ पलटने वाले रुझू करने वाले थे दावत व तबलीग के उसूल अल्लाह रब्लम ने बयान किए हैं फरमाया जब किसी को अपने दीन की तरफ बुलाओ तो कैसे बुलाओ हिकमत के साथ हिकमत के साथ कि इसको किस तरीके से समझाया जा सकता है अच्छी बात वलमिलहसन अच्छी बात बोल करके किसी नसीहत की बात के जरिए वजह दिलुम ही आसन और अगर वो नहीं समझ रहा है बहस कर रहा है झगड़ा कर रहा है तो आप फिर भी मोहब्बत से बात करो इसका फ़ायदा दूसरी जगह अल्लाह ने बयान किया है कि जो आपसे बहस कर रहा था आपके उमदा तरीक़े से बात करने की वजह से का अन नहू वलीम वह का जिगरी दोस्त बन जाएगा ये दावत व तबलीग के असूल अल्लाह ने बयान किए और इस सूर्य के अख़ीर में या इस पारे के अख़ीर में अल्लाह रबालमिन ने यह कहा कि दीन के रास्ते में अल्लाह के दीन पर चलते हुए अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए परेशानी आ जाए तो क्या करें वसबिर वमा शब्र का इल्ला बिल्लाह। सब्र कीजिए और ये सब्र अल्लाह के लिए होना चाहिए वला तहसन गम नहीं करना है गमगीन नहीं होना है परेशान नहीं होना है वला तकफ़ोम को रोड और ना ही दुश्मनों की चालों से अपने आप को जो है तंग महसूस करना है क्यों इसलिए कि अगर आप ईमान वाले हैं तकवा वाले हैं आप एहसान के और ख़ैर और भलाई के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो याद रखिए इन मदीन तक तक्व। अल्लाह तकवा वालों के साथ है और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो भलाई करने वाले हैं जो एहसान करने वाले हैं तो ये वो पारा था जिस पारे के अंदर अल्लाह ने बतौर ख़ास सूरत नहल में अपनी बहुत सारी नमतों का तस्करा किया है हम अपनी ज़िंदगी में देखें अल्लाह ने हमारे ऊपर कितनी नमतें नाजिल की हैं कितनी नमतों से हमें नवाज़ा है हमें इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ना शुक्री से बचना चाहिए अल्लाह आलमीन हमें शुक्र अदा करने की तौफीक दे और ना शुक्री से बचने की तौफीक अता फरमाए आमी अलैकुम व वालकम व बरकातहू